देख रहे हैं खटपट न्यूज। पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार व पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक महासमुंद दिव्यांग पटेल द्वारा समस्त थाना चौकी प्रभारियों को अवैध गांजा की तस्करी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। वह प्राय यह देखने में आ रहा है कि अवैध पदार्थ गांजा के तस्करों द्वारा हर बार तस्करी के तरीकों को बदल बदल कर तस्करी कर रहे हैं। हाल ही में गुप्त चैम्बर सब्जियों के बीच सिंटेक टंकी के भीतर पशु आहार के बीच छुपा छुपा कर तस्करी कर रहे हैं। आरोपियों को पकड़ लिया गया है, जिस पर महासमुंद पुलिस तस्करों के हर पैतरों पर नजर रख बॉर्डर में स्थित सभी थाना चौकी क्षेत्रों में राजकीय एवं राष्ट्रीय राजमार्गों पर बल तैनात कर अवैध गांजा परिवहन करने वाले पर नजर रखी हुई है। इसी के दौरान कल यानी 20 जुलाई को पिथौरा चेक बागबहरा में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी बीच एक वाहन महिंद्रा पिकअप तेज रफ्तार से उड़ीसा की ओर से आ रही थी, जिसे चेकिंग पॉइंट NH 353 पिथौरा चेक बागबहरा पर रोका गया। वाहन में चालक सहित दो व्यक्ति बैठे मिले, जिनसे पूछताछ करने पर गोलमोल जवाब देने लगे। थाना बागबहरा पुलिस की टीम को शक होने पर वाहन की तलाशी ली, तब वाहन के पीछे डाले में त्रिपाल के नीचे नारियल के भूज की रस्सियों के बंडल भरा हुआ मिला, जिसके आधार पर वाहन की तलाशी ली गई। पिछले डाला में त्रिपाल से ढककर नारियल के भूज की रस्सियों के बंडल के नीचे भूरे रंग के टेप से टेपिंग किया हुआ 70 पैकेट कुल वजनी 700 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा जैसा भरा हुआ मिला। आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 70 पैकेट में कुल 7 क्विंटल अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त कर उनके खिलाफ 20B एक्ट के तहत थाना बागबहरा में कार्यवाही की जा रही है। आरोपियों के द्वारा हर बार अलग अलग रास्ता यूज किया जाता है ताकि कहीं पैटर्न ना बने, जिससे वहाँ की पुलिस उसको पकड़ पाए, तो कभी कोई रास्ता कभी दूसरा रास्ता यूज किया जाता है। इस बार इस रास्ते से चल रहे थे, जिसको हमारे द्वारा पकड़ा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज, महासमुंद।